अरे क्या सोच रहे हो आप यार, ऑन कैमरा पौधों को पानी दे रहा हूँ यार। तुम भी ना यार, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। हट छी। जाओ जी जाओ, आप भी जाओ छोटू। पीपल, दिस इज़ जेसन और मैं हूँ अभी श्रीनगर में। श्रीनगर की गलियाँ घूम रहा हूँ। बेसिकली कल मैं निकला था जम्मू से और पहुँचा था श्रीनगर, और अभी भी राइड स्टार्ट होने वाली है तो हम लोग जाने वाले हैं आज कारगिल की तरफ। एंड इन बिटवीन आएगा जोजीला पास, जिसको क्रॉस करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सुनने में आया कि वहाँ पर बर्फ़ भी है और ऊपर से टफ है वो, तो देखते हैं आज भूसा वहाँ पर कैसे चलाता हूँ मैं। अभी आपको एक छोटा सा होम स्टे दिखाता हूँ जहाँ पर हम लोग रुके थे कल। बहुत छोटा सा है, ब्यूटीफुल सा है, इकोनॉमिकल सा भी है। तो ये उसका गेट है, यहाँ से चलते हैं अंदर। और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे साथी, सब कर रहे हैं बढ़िया सा ब्रेकफास्ट। हमारी बाइक्स बहुत सेफली पार्कड हैं। 2016 में भी जब मैं आया था यहाँ पे श्रीनगर में, तब भी हम इसी होम स्टे में रहे थे। इसका नाम है जॉय होम स्टे। साथ में है निशान गार्डन, बहुत फेमस है, और सामने में डल लेक वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो लोकेशन वाइज इट्स अ परफेक्ट प्लेस, एंड साथ में ऐसे ओपन में ब्रेकफास्ट करने का मज़ा अलग आता है। खाना जी हमारे लिए चाय पोर कर रहे हैं, पोर। हम खुद तो नहा लिए, अब नीलिमा की बारी है। इसका रेडिएटर बहुत गंदा हो रहा है, तो इसको तो क्लीन कर लेते हैं क्योंकि जोजीला पे बहुत मिट्टी होती है। तुम नहा धो के दुल्हन तैयार हो गई है, आज जोजीला फतह करेंगे। जोजीला भाजी चलने की तैयारी है पूरी भाजी। सेट है मामला? यस फुल सेट। बाइक को मैंने कोल्ड स्टार्ट किया अभी, बस 5 मिनट में हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। एंड एडवेंचर बिगन होने वाला मैन। ऑल सेट ब्रो? ऑल सेट सर। सब सामान भी सेट है गॉड्स के बैग में, और ये बढ़िया भी लग रहा है। लगेज इज सेट, वी आर रेडी टू रॉक। यस मेरा बैग पकड़ो। इट्स अ वेरी प्रीमियम बैग एंड इट्स अ वेरी गुड बैग। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लुक। And guys, talking about this bag, I tell you कि ये limited edition है for now. सिर्फ 2 पीस बने हैं, जिसमें से एक मेरे पास है, एक किसी और के पास है। So God's company ने मेरे को ये दिया है इस road trip पर test करने के लिए। I tell you, it's my 4th day I'm using this bag. So far so good. Looks बहुत अच्छी हैं, बहुत लोग रुक के पूछ रहे हैं इसके बारे में। और जो नॉर्मल गोस्ट बैग आता है उससे काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मेरा जो कैमरा है वो इसमें है, सारा सेटअप मैं इसमें रखता हूँ। और इसको मैं भूसा पे कैरी कर रहा हूँ, तो पूरी पर्सनालिटी के साथ में मैच हो रहा है। डल लेक, अभी इसकी सफाई चल रही है, बहुत सारा काम चलता है इसको मेंटेन करने के लिए। एंड मेरे राइट में निशान गार्डन, बहुत फेमस है, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। लुक एट द व्यू मैन, ऑसम। सो लेफ्ट साइड में रास्ता जाता है हजरत बल को, हमें जाना है यहाँ से राइट।
वेदर इज अमेजिंग, व्यू इज अमेजिंग। सच में सही कहा गया है कश्मीर के बारे में, अगर जन्नत कहीं है तो वो यहाँ है। बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफी हो रही है, सारी फोटोज आपको देखने को मिलेगी मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। कुछ फोटोज मैं ले रहा हूँ, कुछ ले रहे हमारे फोटोग्राफर साहब। जस्ट हैव अ लुक, दिखाता हूँ कितना टफ जॉब होता है एक फोटो लेना। अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर, बाइक को देख के सब अमेज हो रहे हैं। जहाँ रोकता हूँ वहाँ भीड़ लग जाती है फोटोग्राफी के लिए, इसीलिए मैं चलता जा रहा हूँ, रुकता ही नहीं हूँ। तो अमरनाथ यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये कलरफुल से जो टेंट्स हैं छोटे छोटे, ये अकोमोडेशन है सारे यात्रियों के लिए जो अमरनाथ यात्रा करते हैं। हम लोग जा रहे हैं जोजीला पास की तरफ और ख़राब रास्ता चालू हो चुका है। ये ट्रक भाई साहब की बैंड बजी हुई है क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान लोडेड है, दो बार बैक मार चुका है। हम लोग बहुत सेफली थोड़ा सा साइड रख के इससे जा रहे हैं। मजा बहुत आ रहा है यार, सच्ची में व्हाट अ एक्सपीरियंस। बस भगवान करे कोई बाइक में फॉल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। आई टेल यू, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, यही रियल एडवेंचर है। ड्रीम्स डू कम ट्रू मैन, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, सच्ची बता रहा हूं। बस आई नीड योर लव सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड कि बाइक में कोई दिक्कत ना आ जाए आगे जाके, और बाइक कोई गिरे ना और टूटे ना। अगर गिरी और छोटे मोटे खरोचा है तो भी मैं सह लूँगा क्योंकि मेंटली आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए नीलिमा को। ओह माय गॉड, इसको बोलते खाई, इसको बोलते मिट्टी। अभी जो ब्लैक जैकेट है वाइट हो जाएगी। फिर कुछ लोग बोलेंगे यूट्यूब से बहुत पैसे कमा रहे हो जी, हर रोज नई जैकेट ले आते हो। हमें जाना है कहाँ, वहाँ 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 जाएंगे, बर्फ का गोला खाएंगे और अपने दोस्तों को भी खिलाएंगे। हमें थोड़ा सा बर्फ का पैच दिखा है तो हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं, थोड़ी मस्तियाँ करेंगे, मैगी शैगी खाएंगे, चाय शाय पियेंगे। हेलो मिस्टर ट्रक, थोड़ा लेफ्ट हो जाओ।
नाइस यार। सो हम लोग गए जुजीला पास पे, इसको बोलते हैं पॉइंट ज़ीरो। थोड़ी देर रुके हैं कुछ खाने पीने, और थोड़ी सी बर्फ़ रह गई थी यहाँ पे, उसके नज़ारे लेने। लोग यहाँ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हो सका तो हम भी खेलेंगे, मस्ती करेंगे, गोले मारेंगे दोस्तों को। अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई, भूसा जला के मज़ा आया। थोड़ा सा ऐसे लग रहा है हाथों में दर्द है, और थोड़ी सी ठंड लग रही है, दैट्स इट, नथिंग मच। बट यही फ़न है यार, यही मज़ा है, यही इन्जॉयमेंट है। मेरे पीछे भी एक बहुत बढ़िया सा पहाड़ है, पूरा बर्फ़ से कवर्ड है, बादल बहुत अच्छे हो रहे हैं, और आज पूरे दिन में धूप नहीं निकली है, सोनमर्ग के बाद स्पेशली। एंड सोनमर्ग तक रोड क्या बढ़िया है यार, श्रीनगर से मज़ा आ गया, मतलब बाइक चला के मज़ा आ गया। कुछ स्ट्रेच ऐसे थे, ऐसे लग रहा था स्विट्ज़रलैंड में हम लोग बाइक राइड कर रहे हैं। आज ये मौसम मुझसे कुछ कह रहा है, ये कह रहा है यार ज़िंदगी में वक्त निकालो थोड़ा मेरे लिए। हमारे सेठ जी को ठंड लग रही है, अंदर बैठे टेंट के, बोलो गर्मी के मजे ले रहे हैं, खान पिया चला। दोनों लौंडे हमारे थोड़े से वैसे स्ट्रांग है वैसे कमजोर है, बट ये तो हमारे सख्त लौंडे दिल्ली के। जो जी कैसी है मैगी? नहीं रास्ता कैसा लगा? वो मैगी का पूछ रहे हैं। मैंने मैगी पूछा था, नहीं रास्ता पूछा था, पूछा था मैगी। ऑन रिकॉर्ड झंड हो गए, ऑन रिकॉर्ड। ये बचपन से ही झंड करा था, ये सारा स्क्रिप्टेड था। गुड आफ्टरनून लवली पीपल। हाँ गुड आफ्टरनून लवली पीपल, कैसे हो आप लोग? भाई साहब मैगी खा रहे हैं, हम खा रहे हैं बिस्कुट, और हम लोग यहाँ शरण लेके बैठे हैं क्योंकि दो बंदों को ठंड लग रही थी। मैंने कहा चलो कंपनी दे देता हूँ, कहने का मतलब थोड़ी सी मुझे भी लग रही थी। तो अभी यहाँ पे मस्ती की पाठशाला शुरू होने वाली है, हमारे प्रिंसिपल साहब ये हैं, अभी थोड़ा सा हमें जगत का ज्ञान दे रहे हैं, दुनियादारी का। तो हम यहाँ चौकड़ी मार के बैठे हैं, और थोड़ा सा हम ज्ञान आज कलेक्ट करके जाएंगे यहाँ से। नाल रहंदी साडी बेबे रुकदी, जिन्ना नाल रहंदी मेरी बेबे रुकदी, जट दे ग्रुप विच ओही बंदे आ। आहा आहा, तो मजा आ रहा है गाने सुनने का, साथ में काव पीने का। अब इसके बाद निकलने की तैयारी कर रहे हैं, मैं इनको बोल रहा हूँ थोड़ा चलो गोला वोला खाते हैं, वहाँ चलते बर्फ में, चलना है नहीं चलना है? जल्दी करो फिर, क्योंकि यहाँ से कारगिल है लगभग 90-95 किलोमीटर, और हमें 4-5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत तेज फास्ट राइडर्स है, मोटो जीपी से भी फास्ट राइडर्स है। कावा गिर गया, कावा गिर गया। 1 2 3 Yes, you can. चलो जंप मारेंगे, चलो सच में मार गए। आ आ आ यार बहुत दूर है, जंप मैंने नहीं मार दी। आगे आगे तो देखा ही नहीं। तो फ्रेंड्स बर्फ का गोला खा लो, ठंडा है। कन्ना जी जाओ छोटू, कारगिल है 84 किलोमीटर, उससे पहले आएगा द्रास।
welcome to Dras, the second coldest inhabited place in the world. So far ride ka bahut maza aaya, mausam jo hai barish wala bana hua hai. Cloudy hai, nearby jitne pahad hai sab pe barf giri hui hai. Thanda hai but bahut thanda nahi hai sachi mein. But still we are enjoying. To aaj ka plan ye hai ki hum Kargil jaake rukenge. Jaane ko hum aage bhi ja sakte hain. We can try for Lama Yuru. बट हम लोग थोड़ा इजी ले रहे हैं बिकॉज सीनिक व्यू मिस हो जाएगा. सो हम लोग रुके हैं कारगिल वार मेमोरियल पे ऑनरिंग अवर नेशन ज़ीरो. मैं थर्ड टाइम लद्दाख आ रहा हूँ और फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ. हर बार मैं यहाँ से जल्दी में निकल जाता था, कई बार रात को निकल जाता था. लकीली अभी जो है ना खुला हुआ है यहाँ पे, तो अलाउ कर रहे हो हमें जाने के लिए. सो लेट्स गो इनसाइड एंड आई विल सी कि क्या है अंदर में. तो हम लोग अंदर हो आए हैं. वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हमने नहीं करी है, फोटोग्राफ्स थोड़ी सी खींची हैं. शायद इस वीडियो में मैंने दिखा दी होंगी, अगर नहीं दिखाई तो इंस्टाग्राम पे होंगी मेरे. मिक्स ही फीलिंग है, अच्छा भी लगा बुरा भी लगा. बुरा ये कि इतने सारे लोग शहीद हुए थे, इतने सारे जवान शहीद हुए थे, देख के बहुत होता है, फील होता है, मतलब क्या शहीदी दी है इन्होंने यार. एंड अच्छा इस बात का लगा कि जो आर्मी है ना, दे आर सो स्ट्रांग. कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, अगले दिन वो खड़े हो जाते हैं डबल हिम्मत के साथ में. तो वो जाके मुझे रियलाइज़ हुआ. क्यों खाना जी, सही में अभी टॉपिक ऐसा है कि इससे ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा. आप आओ यहाँ पर, फील करो आपको क्या फीलिंग आती है. तो भाई साहब आज कमाल हो गया है, बारिश हो रही है, आधे हम भीग चुके हैं. उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि हमें कारगिल में पेट्रोल मिल गया है, पावर. क्या बात है, अब तो असली में आ जाएगी पावर. तो डाल दो भैया, टैंक फुल कर दो. ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पावर यहाँ मिलेगा. फाइनली गाइज हमें होटल मिल गया है कारगिल में. बाहर बारिश बहुत हो रही है, हम थोड़े बहुत गीले हो चुके हैं. अच्छी बात है, सही टाइम पे हमें एक अच्छा होटल मिल गया. अब क्या करेंगे, हम सामान रखेंगे ऊपर, डेटा करेंगे कॉपी, उसके बाद फटाक से सो जाएंगे. रीज़न बीइंग कल हम पहुंचेंगे लेह लद्दाख एंड लगभग 250 किलोमीटर है यहाँ से. उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं पूरी राइड में. एंड हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, रुक रुक के खाते पीते फोटोग्राफी करते वीडियोग्राफी करते हुए. सो कल का दिन भी थोड़ा सा टफ है, बट उसके बाद में प्लान ये है एक बार हम लद्दाख पहुंच जाते हैं, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. आई थिंक वीडियो अभी का यहीं क्लोज करते हैं. आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना. मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो बहुत जानदार होने वाली है टेल यू, बिकॉज कल का जो सीनिक व्यू है, जो रूट है, दैट विल बी अमेजिंग मैन. इसी नोट पर करते हैं वीडियो क्लोज. मेहनत मेरी, प्यार आप सबका. सी यू, बाय बाय.